हेलो दोस्तों, दोपहर का समय है। मैं ये आज दाल बनाने जा रही हूँ, केवटी दाल। आप लोगों ने नाम सुना होगा केवटी का। तो केवटी दाल दो तरह से बनती है। यूपी में तो ज़्यादातर अरहर की दाल और उड़द की दाल मिला के बनाई जाती है, लेकिन इधर उत्तरांचल में चने की दाल और उड़द की दाल मिला के बनाई जाती है। जबकि मेरी समझ में भी आता है कि उचित वही है। उड़द बादी होती है, चना दस्तावर होता है, तो दोनों मिला के बैलेंस बराबर हो जाता है। लेकिन मेरे इधर अरहर की दाल और उड़द की दाल मिला के बनाई जाती है। तो देखिए, मैंने ये अरहर की दाल और उड़द की दाल ही बनाई है, और ये करीब 2 घंटे हो गया इसको भिगे हुई है। अब इसको हम बनाते हैं। आप काला वाला उड़द है मेरा, देखिए ये डाल दिया मैंने इसको। मैंने थोड़ा उड़द की दाल को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। आज बिल्कुल मैं साधारण दाल बनाऊंगी। ये देखिए नमक है, जैसा कि गांव में बनती है। ये देखिए थोड़ा पानी और डाल देते हैं। ये मेरा बॉयल पानी है, ये देखिए। अब दाल को हम प्रेशर लगा देंगे, दाल तेज कर देते हैं। देखिए दोस्तों, दाल हमारी पक चुकी है। करीब करीब 4-5 सीटियां आ गई हैं। तो अब हम चलते हैं इसका तड़का तैयार करते हैं। अब देखिए, कल शाम को आंधी आ गई थी। देखिए मेरे घर में कितना बेल गिरा हुआ है। ये देखिए, बेल का एक पेड़ है और इतना बेल गिरता है कि पास पड़ोस से बोरों लोग उठा के ले जाते हैं। ये देखिए अभी बिन के आया हुआ है। तो ये दाल देखिए हम इधर रखते हैं, और इधर रखते हैं तड़का पैन। अब तड़का तैयार है, दिखा। ये तेल गरम हो गया है, थोड़ा सा इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1 स्पून जीरा। गैस को स्लो कर देंगे, नहीं मसाले जल जाएंगे। अब देखिए जीरा चटक रहा है, इसी के साथ ही डालेंगे लहसुन। ये लहसुन पड़ गया, और ये डालेंगे थोड़ा सा हरा मिर्चा। ज़्यादा हरा मिर्चा हम लोग नहीं खाते, कोई मिर्च नहीं खाते ज़्यादा। ये देखिए तड़क जाए, थोड़ा गैस तेज कर देते हैं। अब डाल देते प्याज, प्याज और अदरक। अब डालेंगे इसमें टमाटर। नमक हमने दाल में डाला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डाल देते हैं क्योंकि टमाटर है, थोड़ा गलने में प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़्यादा हम टेस्ट करके डालेंगे। ज़रा से डाल दिया हल्दी और धनिया, थोड़ा पानी डाल देंगे, नहीं मसाले जल जाएंगे। डालें कश्मीरी मिर्च, फिर डाल देते कसूरी मेथी, क्रश करके इसको चला देते। ये देखिए तड़का रेडी है, बहुत सिंपल सा तड़का। ये देखिए टमाटर मिक्स हो गया है। देखते हैं दाल, दाल देखते
ये देखिए मेरी क्योटी दाल रेडी है। अब थोड़ा सा गर्म पानी हम कुकर में डालेंगे, बहुत थोड़ा सा ये, और इसमें दाल डाल देते हैं। देखिए दोस्तों दाल आपको कैसी लगी, देखिए बिल्कुल खड़ी खड़ी सी दाल बनी हुई, बहुत अच्छी और बड़ी अच्छी सुगंध भी आ रही। सिंपल सी दाल है, ना ज़्यादा मसाले हैं ना कुछ है। देखिए आप अब इसमें थोड़ा सा उबलने के बाद में इसमें डाल देते धनिया पाउडर। ये देखिए दाल पक गई है। ये हमारे यूपी में इसको अरहर की दाल और उड़द की दाल को ही क्योटी दाल बोलते हैं। ये देखिए इधर उत्तरांचल में चने की दाल को, उड़द और चने की दाल को। तो चलिए अब हम गैस को बंद करते हैं, मेरी दाल रेडी हो गई है। अब इसमें डाल देते हैं देखिए धनिया पत्ती। ये देखिए ये आपको कैसी लगी मेरी दाल, अच्छी लगी हो प्लीज़ तो लाइक से और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये देखिए आपको दाल मेरी कैसी लगी प्लीज़। ये देखिए ये केवटी दाल है मेरी, ये देखिए। तो अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पूरा वीडियो मेरा देखें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।